हरे कृष्णा सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री शिव शील भक्ति विधान शील नारायण गोसाई महाराज जी के चरणों में तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद स्तोत्र शत श्री शिव शील एसी भक्ति विधान शील स्वामी प्रभुपाद जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। शीला गुरुदेव की हेतु की कृपा से बरसाना परिक्रमा के अंतर्गत जिस स्थान पर आज हम आए हैं, इस स्थान का नाम है मयूर कुटीर। तो यहाँ की बड़ी ही सुंदर लीला है। राधा जी ने मानगढ़ पे मान किया है और भगवान कृष्ण ने बहुत प्रयास किए राधा जी का मान तोड़ने के लिए, लेकिन आज राधा जी का मान टूट ही नहीं रहा। फिर कृष्ण यहाँ पे आए और यहाँ पे कृष्ण ने मोर बनके बड़ा ही सुंदर नृत्य किया। और मानगढ़ में जो राधा जी की सखियाँ हैं, सब सखियों ने राधा जी को बोला, देखो आज बरसाना में कितना ही सुंदर मोर आया है और ऐसा नृत्य तो हमने कभी मोर का देखा ही नहीं है। तो राधा जी मानगढ़ से बाहर निकली और यहीं पे उन्होंने कृष्ण को मोर की तरह नृत्य करते हुए देखा और वो ऐसा नृत्य था जिसने राधा जी के मन को भी आकर्षण कर लिया। और राधा जी यहाँ पे आके उस मोर के नृत्य को देख रही है जो कृष्ण ही मोर बन के नृत्य कर रहे हैं। फिर राधा जी के मन में भी इच्छा हुआ कि मैं भी नृत्य करूँ, तो राधा जी ने फिर मोरनी का रूप धारण किया और राधा जी ने मोरनी बन के कृष्ण के साथ यहाँ पे नृत्य किया है। मोर और मोरनी, इस जगत में मोर देखने में अति सुंदर होता है मोरनी की अपेक्षा, और उसका नृत्य भी मोरनी से अच्छा होता है। लेकिन जब राधा जी ने मोरनी का रूप धारण किया और वो नृत्य कर रही हैं, तो उस समय उनका जो सौंदर्य है और उनका जो नृत्य है वो कृष्ण के सौंदर्य और कृष्ण के नृत्य को भी पराजित कर देता है। तो ये वो स्थान है जहाँ पे राधा कृष्ण ने मयूर और मयूरनी बन के नृत्य किया है। अब ये जो राधा जी का मान है उसको हम थोड़ा समझेंगे। इस जगत में कोई स्त्री अगर मान करती है तो वो इसलिए करती है, वो अपने पति से रूठ जाती है। जहाँ पे उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता, उसके स्वार्थ में हानि पहुँचती है, तो वहाँ पे वो अपने पति से रूठ के मान करती है अपनी भोग की इच्छा के लिए। लेकिन जो राधा जी है जिनका इतना ऊंचा प्रेम है, जहाँ पे काम की गंध भी नहीं है, उनका जो मान है वो कैसा है, उनका जो मान भी है वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। जब राधा जी देखती है कृष्ण ये चाहते हैं कि मैं राधा जी के प्रेम में और वशीभूत हो जाऊं, तो राधा जी मान करती हैं कृष्ण को अपने प्रेम में और वशीभूत करने के लिए। इसको समझाने के लिए एक गुरुदेव उदाहरण देते हैं। एक बारी एक गौशाला थी और देववशत किसी कारण से उस गौशाला में आग लग गई। अब आग लगने के कारण क्या हुआ, वो गौशाला चारों तरफ से आग की लपटों में आ चुकी है और एक एक करके सारी गायें वहीं पर जिंदा जल गई। लेकिन एक गाय ऐसी थी जो बड़ी तेज तेज की उसने प्रयास किया उस गौशाला से बाहर निकलने का, और उस आग की बड़ी बड़ी लपेटों को पार करते 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 किसी प्रकार से ये गईयां बच गई, लेकिन इसके शरीर में कुछ आग का जल रह गया, लेकिन किसी प्रकार से इसके शरीर में आग की कुछ जलन रह गई और लेकिन इसके प्राण बच गए। अब इस गाय को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्या कि इतनी सारी गईयां इसके सामने जल के राख हो गई, मर गई। अब जैसे ही रोज सूर्य अस्त का समय होता है, तो सूर्य अस्त के समय जब सूर्य जा रहा होता है तो उसकी चारों तरफ लालिमा फैल जाती है। अब उस सूर्य अस्त की लालिमा को देख के इस गाय के दिमाग में एक सदमा लग चुका है, इसको फिर से लगता है कि आग लगने वाली है। और रोज सूर्य अस्त के समय ये बड़ा तेज तेज की भागना शुरू करती है और बहुत तेज तेज की छलांगें मारती है। क्यों, इसको वही सदमा लगा हुआ है कि हाँ अभी फिर से आग लगेगी। लेकिन जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तब वो अपने ताप को लेके जा रहा है और उस समय शीतलता का प्रवेश हो रहा है क्योंकि चंद्रमा का उदय हो चुका है, लेकिन ये उल्टा समझती है कि नहीं अब तो आग लगने वाली है। क्यों, क्योंकि इसके हृदय में एक वो सदमा लगा था। उसी प्रकार से हम सबके हृदय में एक काम है, हम सब लोग भी पागल हैं उस गाय की तरह, कैसे हम लोग पागल हैं उस काम में। इसलिए जब हम राधा कृष्ण की उन शुद्ध लीलाओं को श्रवण करते हैं तो हमारे मन में क्या आता है, उस गैया के समान हम भी उस सारी लीलाओं को अपनी तरह प्राकृत काम में ही समझ लेते हैं। लेकिन ये जो लीलाएं हैं ये शुद्ध चिन्मय लीला है, जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु लक्ष्मी जी वो भी प्रार्थना करते हैं कि हम इस लीलाओं में भगवान के दर्शन कर पाएं। तो यहाँ की एक बड़ी ही सुंदर और लीला का वर्णन करते हैं। एक बारी ठाकुर जी का मोर यहाँ पे आया और राधा जी का मोर भी यहाँ पे आया। तो एक तरफ ठाकुर जी का मोर खड़ा है, एक तरफ श्री जी का मोर खड़ा है। तो सखियां बोली, अरे राधा जी का मोर जो है वो कृष्ण के मोर से अच्छा है। ठाकुर जी बोले, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, मेरा मोर श्री जी के मोर से अच्छा है। बोले, अरे तुम चुप रहो, तुम अपने मोर का तुलना राधा जी के मोर के साथ करते हो। कृष्ण बोले, मेरा मोर जैसा नृत्य कर सकता है इस जगत में कोई मोर ऐसा नृत्य नहीं कर सकता। तो सब सखियां बोली, तुमने कभी राधा जी के मोर को नृत्य करते हुए देखा नहीं है। तो कृष्ण बोले, चलो हो जाए, देखते हैं कि किसका मोर ज्यादा अच्छा नृत्य करता है। तो बोले कि जिसका मोर ज्यादा अच्छा नृत्य करेगा वो पक्ष जीत जाएगा।
तो एक तरफ कृष्ण का मोर खड़ा है, एक तरफ श्री जी का मोर खड़ा है, अब दोनों ने ही नृत्य करना शुरू किया। और जो नृत्य है बिना गान के तो होता नहीं है, गान तो चाहिए। तो जो राधा जी की सखियां हैं, कोई सखी गान गा रही है, कोई सखी अपने हाथ में मृदंग बजा रही है, किसी सखी ने अपने हाथ में वीणा ले लिया, कोई सखी अपने हाथ में करताल बजा रही है, और बड़े ही सुंदर उस नृत्य में दोनों मोर नाच रहे हैं, कृष्ण के और राधा जी का। अब नाचते नाचते देखा कि जो कृष्ण का मोर है धीरे धीरे वो थकता जा रहा है, और राधा जी का जो मोर है धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है, और वो और नए नए नृत्य में अपने कलरव प्रस्तुत कर रहा है। अब ठाकुर जी ने देखा, भैया ये मोर तो मुझे हरा देगा, ये तो श्री जी के मोर से जीतने वाला नहीं है। फिर ठाकुर जी खुद मोर बन के श्री जी के मोर के साथ में नृत्य करना शुरू किया। अब क्या हो रहा है, अब लग गया एक तरफ ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं मोर बन के, एक तरफ राधा जी का मोर नृत्य कर रहा है। अब राधा जी ने अपनी कृपा दृष्टि डाली अपने मोर पे, ताकि कहीं कृष्ण उसको हरा ना दे, और जिसको राधा जी की कृपा दृष्टि मिल जाए उसको भला कौन हरा सकता है। अब कृष्ण भी नृत्य कर रहे हैं, यहाँ पे राधा जी का मोर भी नृत्य कर रहा है, और मानो ऐसे लग रहा है कि दोनों ही जीतेंगे, कोई हारने वाला ही नहीं है। राधा जी देखिए, अगर आज कृष्ण को नहीं हराया तब तो भैया गड़बड़ हो जाएगी, हमेशा फिर ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि देखो मैंने कितना अच्छा नृत्य किया। तो यहाँ पे राधा जी ने फिर मोरनी का रूप धारण किया, अब वो कृष्ण के साथ नाचना शुरू किया। अब कृष्ण भी नाच रहे हैं, राधा जी भी नाच रही हैं, और जहाँ पे गुरु है तो वहाँ पे शिष्य तो पराजित होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि राधा जी कृष्ण की प्रेम गुरु है। कृष्ण ने प्रेम करना कहाँ से सीखा? राधा जी से सीखा। कृष्ण राधा जी को अपना प्रेम गुरु के रूप में मानते हैं। कृष्ण ने नृत्य करना कहाँ से सीखा बताया? वो भी उन्होंने राधा जी से सीखा है। तो राधा जी के उस प्रेम के नृत्य के आगे कृष्ण का जो नृत्य है वो वहाँ पे पराजित हो गया। तो यहाँ पे इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर लीला हुई है। अभी यहाँ पे हम क्या प्रार्थना करें? हम लोग भी नृत्य कर रहे हैं। कैसा नृत्य कर रहे हैं? चैतन्य चरितामृत ने बताया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हम जो जीव आत्मा है एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में नृत्य कर रहे हैं, शमशान घाट की तरफ जाते हैं, जन्म से लेकर शमशान घाट तक। गर्भ में जन्म होता है, फिर शमशान में जाते हैं, गर्भ में जन्म होता है, फिर शमशान में जाते हैं। ये हमारा नृत्य चल रहा है इस 84 लाख योनियों का। तो जब तक हमें गुरु वैष्णव की कृपा नहीं होगी, जब तक हमें ठाकुर जी की भक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग इस संसार की काम वासना में नृत्य करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी एक शुद्ध प्रार्थना है, क्या हम यहाँ पे ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में जितने भी प्रकार की संसार की वासनाएं हैं उन सब का क्षय हो, और हमें इस ब्रज की शुद्ध भक्ति में प्रवेश मिले। हरि हरि कबे मोरा हई बे सुदीना, भजी बो श्री राधा कृष्णा हैया प्रेम धीना। ये हमारी प्रार्थना है, हमारे गुरुवर्ग में बताते हैं कि हरि हरि कबे मोरा हई बे सुदीना, कब ऐसा मेरे जीवन में दिन आएगा राधा कृष्ण भजीबो, और मैं राधा कृष्ण का भजन करूंगा, और क्या होगा, मेरे जो नयन है मेरे नयनों से आंसू की अश्रुधारा निकलेगी। तो ये हमारी यहाँ पे प्रार्थना है, और यही प्रार्थना करके हम इस स्थान को पुनः पुनः प्रणाम करते हैं कि आप हम पे कृपा करें, हम भी किसी तरह किसी जन्म में ब्रजवासियों की तरह भगवान कृष्ण की और श्री जी की सेवा करके अपना जन्म सफल कर सके। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे विश्वं वर पर कमलं, वंदे विश्वं वंदे विश्वं वर पर कमलं, वंदे विश्वं कंदित कलियुग जनमल समलं, कंदित कलियुग जनमल समलं, वंदे विश्वं वर पर कमलं, वंदे विश्वं वर पर कमलं। सौरभ कर्षित निज जन मधुपम, सौरभ कर्षित निज जन सौरभ कर्षित निज जन मधुपम, करुणा कांदित विरह वितापम, वंदे विश्वं वर पर कमलं।